फिरोजाबाद में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी अखिलेश यादव को एसओजी और पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि वह लंबे समय से पुलिस को चकमा देकर बसता फिर रहा था, पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। वहीं 2 साल पहले किशोरी को बहला फुसला कर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को लाइन पार थाने की पुलिस और एसओजी टीम ने गिरफ्तार कर लिया। उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। वही इंस्पेक्टर लाइन पार शिव कुमार चौहान ने बताया कि कानपुर देहात रसूलाबाद के गांव में रसूलपुर निवासी अखिलेश यादव ने 2 साल पहले क्षेत्र की 16 वर्षीय किशोरी को ले जाकर दुष्कर्म किया था। किशोरी के परिजनों ने आरोपी के विरुद्ध इस साल 26 फरवरी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वही गिरफ्तारी न होने पर 13 अप्रैल को उस पर 10,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। आपको बता दें कि गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम भी लगाई गई थी। वहीं एसओजी टीम की मदद से पुलिस ने आरोपी अखिलेश यादव को सुबह रेलवे स्टेशन के पीछे रामनगर रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को जेल भेजने की भी कार्यवाही की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।